हेलो एवरीवन, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। सो अज दी इस वीडियो दे विच आपां गल करन जा रहे हैं, जिवें तुसीं थंबनेल पढ़ रहे होणा, ETT फस्ट ईयर इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बैच 2020-22 ते 2021-23 दे। जिवें तुहानूं पता 19 सितंबर तो तुहाडी TP लग रही है, 2020-22 इन्हां दी 117 दिनां दी है, ते जिहड़ा 2021-23 है इन्हें दी थोड़ा दिनां दी है, शायद एक मंथ दी है TP इन्हां दी, ठीक है। पर कुछ स्टूडेंट दी इनक्वायरीज आ रही है, मतलब कईआं दी TP नहीं लगी है, वो की करन, क्योंकि जिन्हां दा एडमिशन लेट होया हुण, ठीक है, जिन्हों का हूँ लास्ट अगस्त में एडमिशन होया उन्होंने TP नहीं लगी, बाकी सारे जिन्हों का पुराना एडमिशन उन्होंने सारे की TP की लग चुकी है, उन्होंने लगभग स्कूल भी अलॉट हो चुके हैं, ठीक है। सो जे 19-21 मतलब 21-23 वाले आ, तो जिन्हों का एडमिशन लेट होया अगस्त के वो की है, टेंशन बिल्कुल ना लैन, क्योंकि SCERT वालों डेटा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जिन्हों का पिछले साल एडमिशन होया सी जां की विच होया, ठीक है, उन्हों का डेटा तो पहला तैयार हो गया SCERT वालों, इन्हों की पूरी प्रक्रिया चल रही है, जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर इन्हों की एक मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब TP इन्हों की एक मंथ की लगेगी। उस तो बाद की है, रिजल्ट की टेंशन है सब तो वड्डी, मतलब TP लैटर तो आ गया पर हजे रिजल्ट नहीं आया, तो कल ही जानकारी मिली है रिजल्ट तैयार हो चुका है, किसी वेले भी अनाउंस हो सकता है, ठीक है, रिजल्ट कदों भी अनाउंस हो सकता है। बट एक गल का ध्यान रखो, जिवें कि 10th+2 का रिजल्ट होंदा, मतलब वैबसाइट के उपर आउंदा, इस तरह का कुछ नहीं होंदा SCERT वालों, SCERT वालों जो रिजल्ट है वो तुहाडे कॉलेजां विच भेजा जाएगा, ठीक है, जो तुहाडे कॉलेज है जिथों भी तुसीं ETT कर रहे हो उत्थे तुहाडा रिजल्ट जाएगा, वो तुहानूं की ऑफलाइन मोड दे विच दस्सणगे, ऑनलाइन कुछ नहीं प्रक्रिया होंदी इहनां दी, सारा कुछ ऑफलाइन करदे आ, ठीक है। सो जो रिजल्ट है वो कि तुहाडे कॉलेजां विच जाएगा, कॉलेज वाले तुहानूं कि दस देणगे तुहाडा रिजल्ट आ गया, ठीक है, आने वाला रिजल्ट है। कल ही गल हुई है किसी नाल, वो कहिंदा रिजल्ट तैयार होया पिया, बस आ जाएगा, मतलब इस मंथ दे विच विच रिजल्ट आने की पूरी संभावना, ठीक है, हो सकता 5-4 दिनों दे विच ही आ जाए, रिजल्ट तैयार है, कॉलेजां दे विच पता करते रहो कदों आएगा, तुहानूं दस ही देणगे, ठीक है। तो तुहानूं जिहड़ा रिजल्ट है वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, और तुहानूं की रिजल्ट सिर्फ ऑफलाइन मिलेगा, तो जिहड़े TP ते जाण, सो TP दे उपर की आपदी मेहनत जारी रखण, EVS दीआं किताबां नाल दी नाल पढ़दे रहण, ठीक है, क्योंकि EVS की है, मेन सबजैक्ट है PS टैटली, 3rd, 4th, 5th इन्हां दी EVS पढ़ते रहो, ठीक है, बाकी मैथ वगैरह सारे ध्यान देंदे रहो, ताकि तुहाडा PS टेट जिहड़ा दिसंबर दे विच आएगा, हाले कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, बट फिर भी की है मन के चलते हैं कि दिसंबर दे विच तुहाडा PS टेट आएगा, तो उहनूं तुसीं की हर हाल दे विच क्लीयर करना है, ठीक है। तो जिहड़े 21-23 दे एग्जाम है हो सकता PS टेट तो पहले ही हो जाए, ठीक है, ताकि तुसीं भी की एलीजिबल हो, क्योंकि यूनियन की रौला बहुत पाउणगियां, जे मतलब रिजल्ट मतलब पेपर ना होए, रिजल्ट ना डिक्लेयर होए, PS टेट हो गया, ठीक है, तो बच्चों का इस विच की है बहुत नुकसान होएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2020-22 वाले की है लमक चुके हैं, तीजा साल उन्हों का लगभग चलता पाया, ठीक है, जो 2022 में खत्म होना चाहिए सी, 2023 के जाके खत्म होएगा, साडा सैशन भी जो 2021 वाला सी, 19-21 वाला, वो भी क्या 3 सालों के ना पूरा किया, बहुत स्लो प्रक्रिया इन्हों की, बट टेंशन ना लो, तुहाडा की काम सारा हो जाएगा, रिजल्ट आने वाला, ठीक है, तो TP के उपर जाने की तैयार रहो, जिन्हें TP नहीं लगी वो भी टेंशन ना लो, उन्हों की TP भी की है जल्दी लग जाएगी। सो इस वीडियो के विच इन्ना ही, बाकी जे कोई भी होर जानकारी है ये तुहाडे नाल सांझी जरूर करांगे, थैंक यू वेरी मच।